तो गाइस गुड मॉर्निंग, और ये सेम व्लॉग है कल का ही गाइस। गुड मॉर्निंग, वेरी 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 अवाम गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से गाइस। और पीछे का वाओ बैकग्राउंड देखे गाइस, बैकग्राउंड तो ये है शनाया का, उसने किया ये सब। तो गाइस आपके घर में भी होता होगा, जब अगर कोई छोटा बच्चा रहेगा ना तो देखो यही सब काम होता है। मैंने कहा था मम्मी को कि मम्मी मम्मी को बड़ी होने दे तभी कलर करना, ही नहीं कलर करना, देखो उसने क्या कर दिया। पर ठीक है, ऐसे ज़रूरी भी था बहुत, मतलब कम से कम 10 साल हो गए इसको कलर नहीं करके, तो कलर करना भी बहुत ज़रूरी था। तो गाइस यस, जैसे कि आपको पता है हम लोग पठान मूवी देखने गए थे। पठान मूवी 1 टाइम वॉचेबल है, थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह जो किया है ऐसे लग रहा था कॉपी है, जैसे कि मार्वल्स का, एवेंजर्स का है ये सब, तो वो थोड़ा सा एडिटिंग किया। बट हाँ, इससे पता चल रहा है कि बॉलीवुड का जो एडिटिंग जा रहा है वो बहुत ही फास्ट एडवांस जा रहा है। स्टोरी बस यही है कश्मीर, दैट्स इट, कश्मीर छीनना है बस, और कुछ नहीं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जितने लोग पठान मूवी के खिलाफ थे जब वो मूवी देखेंगे तो उतने ही उनको प्यार आ जाएगा, क्योंकि वो स्टोरी हमारे एकदम हार्ट टच है। तो वो पठान का मूवी है, उसके अंदर शाहरुख खान था, सलमान खान सर थे, और जॉन एप्रन ऑफ कोर्स, तो तीनों अच्छे लगे थे। सलमान खान के जो पार्ट्स हैं छोटे ही थे, ज़्यादा कुछ अच्छा ही नहीं थी। बस शाहरुख खान आया है जो झूमे जो पठान जो गाना था, मज़ा आ जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या गाना था वो जिसमें दीपिका और क्या बोलते गाना, जो दीपिका पादुकोण और इसमें ये थे शाहरुख खान का जो गाना है जो एकदम वायरल जा रहा था, उस गाने को लोग के वहाँ उसमें बहुत सारे चेंजेस भी किए गए। तो गाना तो बहुत ही सॉलिड था, मुझे याद नहीं है नाम अभी, बट हाँ पिक्चर भी अच्छा है, 1 टाइम वॉचेबल है, बट हार्ट टचिंग भी है, क्योंकि स्टोरी जो है वो अपने पूरे दिल का, एक सोल्जर का स्टोरी है, और वो बहुत ज़रूरी भी था लोगों, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं वो हमेशा अपने में ही अपना स्वाद देखते हैं, दूसरे का स्वाद कभी ये दूसरे का देखना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप एक एग्जांपल दूँ, अगर आप जैसे कि मैंने एक आर्टिकल देखा, मतलब मैंने एक वीडियो देखा था, आप भी कर सकते हो, मतलब आप एक कार्डबोर्ड में लिख के आप लिख सकते हो कि आई वांटेड टू टॉक विद यू, और आई हैव अ डिप्रेशन, आई हैव अ एनजाइटी, आई हैव अ दिन संदी। आप बस बोर्ड लगा के ऐसे खड़े हो जाओ, और कोई बस वो देख के चला जाएगा, पर कोई आपसे बात नहीं करेगा, ठीक है। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आई हैव टू टॉक विथ यू एंड आई एम हैविंग डिप्रेशन, है ये बस एक थोड़ा सा हक चाहिए, कोई नहीं बात करेगा। जैसे ही आप वो कार्डबोर्ड को अगर दूसरे मतलब वही कार्डबोर्ड को फ्लिप करके आप उस फ्लिप के कार्डबोर्ड में आप नोट चिपका दो, आप जैसे ही फ्लिप करोगे और वो लोग जब देखेंगे तो वो लोग हैं ना आएंगे पैसा लेने के, तो देखा इससे पता चलता है सोच थिंकिंग क्या लोग सोचते हैं आज की दुनिया में। तो ये था अभी ऑल, और गुड मॉर्निंग हुआ है तो मैं अभी चाय भी पीने जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, आप ये देख सकते हो कि हम मैंने जो गाना प्ले किया है वक्का वक्का, और इसमें मिमी नाचने वाली है, आप देख सकते हो नाच रही है, और देखना अभी वो जो स्टेप करेगी हाथ जोड़ के, और जो स्टेप करती है अपना जो बॉडी मूव करती है, देखो ये भी वैसे ही करती है। I wanna wake up with you in the morning. Something's not fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something's not fake to me now. I wanna.
तो मैं अभी आ रही हूँ घर हिलाते हिलाते, मैं भी अभी डांस कर रही हूँ और जो मुझसे नहीं हो पा रहा है गाइस, सही में यार बहुत मुझसे कितना मोटा हो गया हूँ मैं भी यार। अब ये मिमी ने बोला दूसरा गाना लगाओ शोना शोना, तो मैंने उस गाने पे लगाया है। और ये देखो इसको देखो बातें करते करते आंडू पांडू 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 जो बोल रही है वही जानती है, क्या बोलते बोलते एक्शन कर रही है। देखिए जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा कर रहा है ना इस तरह से बोलते बोलते, वैसे वो भी कर रही है। तो मिमी स्कूल जाने के लिए स्कूल जा रही है, आज मंडे है, मिमी का वाइट यूनिफॉर्म है, मिमी को कैमरा देखते देखते जा रही है, बाय बाय बोल रही है, स्कूल में जाके बाय बाय बोलना वहाँ से। अरे सॉरी बाय बोल। मिमी बाय बोलो, क्या क्या दिखता है इसको, चलो मिमी बैग पहनो, बाय कर दो, बाय बोल दो, चलो इधर बैग इधर भागो, तो मिमी का स्कूल के बैग में देखो फोटो भी है, मिमी के स्कूल के बैग में फ़ोटो है और मिमी जा रही है बैग लेते हुए। मिमी पापा सब चले गए बच्चे लोग, तो मिमी को स्कूल छोड़ दिया है मैंने। मिमी गए एकदम ना गुड मॉर्निंग बोलेगी ना गुड आफ्टरनून बोलेगी, एकदम सीधा जाती है बस। और बस टीचर का यही कंप्लेन है कि कुछ बोलती नहीं, और आपने जैसे कि घर में देखा है वो डांस करेगी, बक बक करेगी, बोलेगी। आज जो वाका वाका पे डांस भी किया है तो मैं वो अपलोड कर दूँगी और फिर वही म्यूट कर दूँगी गाने को, क्योंकि कॉपीराइट बार बार हो जाता है मेरा, तो वो ना हो, तो इसके लिए मैं फिर आज अब जा रही हूँ घर। घर जाके जो भी घर के सब काम हैं वो करती हूँ। और गाइस और एक चीज़ बताऊँगी मैं आपको, दिखाऊँगी बताऊँगी और दिखाऊँगी भी, अभी नहीं बताऊँगी, सरप्राइज रहेंगे वो। तो गाइस ये देखो मिम्मी को मैंने लाया है और ये घर जाने का नाम ही नहीं ले रही, इसको खेलना है। डेंजर। तो यहाँ पे होता है जनवरी और अगस्त का फ्लैग होस्टिंग यहाँ पे ही होता है हमारा सोसाइटी का। तो ये नया ही बनाया है, ये जो आप टाइल्स देख रहे हो ना ये स्टेज जो ये नया बनाया है, पहले इतना ऊंचा नहीं था, कम ऊंचा था, छोटा था पहले, पहले था ही नहीं से छोटा ही दम। चलो ईशान बुला रहा है ना, देखो आवाज़ लगाया मिमी, मिमी को नहीं आना है घर, ऑलमोस्ट हो गया है 9:30 बज चुका है, अब घर जाना मुझे कंटाल आ रहा है। अब झूला झूलेगी फिर उसको 15-20 मिनट उधर लगाएगी।